हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल की मदद से निफ्टी इन बैंक निफ्टी प्रेडिक्शंस फॉर टुमारो। रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड 1000 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, आगे बात करते हैं बाजार का प्रेडिक्शन क्या है मंडे के लिए। बाजार गिरेगा, बढ़ेगा या इस बार सिर्फ आर के मतलब 19,600 के पार करके बाजार निकल जाए। तो 19,600 पर क्लोजिंग दिखाई दे रही है, तकरीबन इस बार 100 अंक ऊपर, मतलब 500 से निकला तो सीधा वो 500, तकरीबन ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके आज 567 अंक, तकरीबन 600 टच कर रहा है बाजार को। और इस मिड रेंज में बाजार दिखाई देता है, मुझे अभी भी इस रेंज में बाजार दिखाई देता है। ध्यान से देखिएगा इस रेंज को, रिक्वेस्ट करता हूँ। ये 1 आवर का चार्ट है निफ्टी का, जो कि पूरी तरीके से इस रेंज में थोड़ा बता रहा है मुझे कि 600 के ऊपर नहीं जा पाएगा। और तकरीबन इस बार तकरीबन एक बार लोअर लेवल पर 400 का एक सपोर्ट दिखाई देता है, 435 से लेकर 430 रुपये का तकरीबन एक सपोर्ट दिखाई देता है। इस तरीके की एक रेंज नजर आ रही है, निचले स्तरों पर भी आपको दिखाई देगा। इस सपोर्ट पर जोरदार बाइंग हो रही है, कहीं ना कहीं पुट वाले लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन में दिखाई देगा। देखो ऑप्शन चेन में अभी दिखाई दे रहा है कि 19,600 पर है, अगर 19,500 पर 500 पर 256 मिलियन का वॉल्यूम है और 19,500 पर अभी भी 286 मिलियन का वॉल्यूम, और ओवाई चेंज के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अभी यह लाइव डेटा है ना, ऑप्शन चेन का लाइव डेटा दिखा रहा हूँ आप लोग एग्जैक्टली। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि अभी भी सेलर्स का दबाव ज्यादा ही दिखाई दे रहा है 287 मिलियन के साथ। तो यहाँ पर अभी भी मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ओवाई डेटा चेंज पर मैं बिलीव करता हूं कि मार्केट कल के दिन मंडे के दिन एक गैप डाउन जैसे सिचुएशन दिखा सकता है, मंडे के दिन गैप डाउन जैसे सिचुएशन दिखा सकता है। जी हाँ, और यदि गैप डाउन दिखाता है तो कितना कम से कम मेरे हिसाब से 100 अंक नीचे, मतलब 500 600 का सीधा 500 मिनिमम, और उसके भी नीचे तकरीबन 500 से 510 के आसपास, 520 के आसपास तकरीबन ये यहां तक दिखा सकता है। और एक थोड़ी सी गिरावट वाली इस रैली को कंटिन्यूअसली कर सकता है, क्योंकि मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि वापस से मार्केट इस रेंज के लिए गिरना चाहता है, इस रेंज के लिए मतलब 463 के लिए गिरना चाहता है, और इस रेंज के नीचे कहीं ना कहीं अभी भी दब बना रहेगा। जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ता बाजार, जब तक के लिए मैं किसी प्रकार का मार्केट में बुलिश व्यू लेकर नहीं जा सकता, किसी प्रकार का बुलिश व्यू नहीं लेकर जा सकता। सेकेंडरी कंडीशन है, यदि 400 के करीब करीब मिलता है तो क्या बाय करना चाहिए? हाँ बिल्कुल बाय करना चाहिए। इस रेंज पर एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बनता रहा नजर आ रहा है, 400 से लेकर 450 के बीच में। एंड यदि इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ही एक बड़ा सेल ऑफ बनता हुआ नजर आ सकता है यहाँ से। दूसरी कंडीशन, यदि 600 के ऊपर खुलता है गैप अप तो ही मैं खरीदारी की सलाह दूंगा, और फिर वापस मार्केट में एक बड़ी रैली आती हुई नजर आ सकती है यहाँ पर। और तकरीबन यहाँ पर डेली चार्ट भी कुछ ऐसी प्रकार से बोल रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड ऑफ डायरेक्शन है इसी चार्ट पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो आपको दिन भर आज परेशान किया बाजार ने, 5 मिनट में बहुत ज्यादा परेशान किया, और उसके बाद एक मार्केट में एक रैली आई, और उस रैली ने जो डे हाई था हमारा, जैसे डे हाई था 19,555 का, 522 का जो हाई था उसको ब्रेक किया, और उसके बाद एक बड़ी रैली आती हुई नजर आई। तो मुझे यहाँ तक एक गैप डाउन नजर आता है कि यहाँ तक एक फॉल आता हुआ नजर आ सकता है, इस तरीके का मार्केट में सोच रहा हूँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। मैंने दिन भर सुबह से ही लोगों को कोई ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दी थी, आज पूरे दिन मैंने सभी लोगों को बोला था कोई साइडवेज मार्केट रहेगा कोई ट्रेडिंग मत करना, सुबह जल्दी बोल दिया था हम लोगों ने। एंड सभी लोगों को पुट ऑप्शंस बोले थे, कॉल ऑप्शंस नहीं बोला था। एंड एंड ऑफ द डे कॉल ऑप्शन से हल्का सा रन लिया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 269 मिलियन और 288 मिलियन तकरीबन, यहाँ पर भी अभी वॉल्यूम बनता हुआ नजर आ रहा है ऑप्शन चेन के डेटा में। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली चाहिए कि यहाँ पर अभी भी यदि सेलर है तो मुझे लगता है कि इसका दबाव जरूर देखने को मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजारों से यहाँ पर भी मुझे संकेत मिल रहे हैं कि 65 अंक ऊपर है, यहाँ पर एक हल्का सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है यूएस मार्केट में, बट यूएस मार्केट में ट्रेंड इज नेगेटिव चल रहा है जो कि आवरली चार्ट में मुझे दिखाई देता है। यदि यहाँ पर एक बिकवाली का दौर शुरू होता है वापस से, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों को आज रात को यूएस मार्केट में थोड़ी सेल ऑफ आती हुई नजर आए, इस तरीके की सेल ऑफ नजर आ जाए, और उसकी वजह से एसजीएक्स निफ्टी गिरती हुई नजर आ जाए। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन है, बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी का कंडीशन अभी भी ये चीज दिखा रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, ध्यान से देखिएगा, ये 1 आवर का चार्ट है और ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट से लेकर 1 आवर के चार्ट तक सब कुछ ट्रेंड
ट्रेंड इज नेगेटिव बोल रहा है। मार्केट में एक चीज का सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि 44,630 का सपोर्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बिकवाली का ही दबाव है, अभी भी बेचने की ही सलाह होगी बैंक निफ्टी को किसी भी प्रकार से, जब तक इस ट्रेंड को डायरेक्शन में कोई, जब तक मार्केट ट्रेंड को ब्रेक ना कर दे और रीटेस्ट ना ले ले, जिस तरह ऊपर जाने के बाद एक रीटेस्ट ना ले, जब तक खरीदारी की कोई सलाह नहीं होगी। कॉल ऑप्शन से नहीं खरीद के जा रहे हैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर आप अलर्ट रहिएगा। जिन लोगों ने कॉल ऑप्शन लिए हैं उसके साथ में पुट ऑप्शन की एवरेज करने की सलाह दूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा बड़े लॉसेस ना हो यहाँ पर। और जो लोग सिंगल ही पुट ऑप्शन लेकर जा रहे हैं उसके साथ एक कॉल ऑप्शन, ताकि बैंक निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन ले जाइएगा ताकि अब यहाँ पर मार्केट में तेजी मिले तो उस चीज का आपको फायदा मिले, ताकि आपको लॉसेस ज्यादा बढ़े ना हो, पहली कंडीशन नंबर वन। तो ये इस तरीके की हेजिंग स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। अभी भी जर्मनी का डेक्स यहाँ पर लाल निशान में ट्रेड कर रहा है और सेलिंग की कंडीशन ही बता रहा, थोड़ा सा यहाँ पर यूरोप में सेलिंग दिखा रहा है। अमेरिका के बाजारों में भी कहीं पर एक साइडवेज का डायरेक्शनल मूव नहीं है फिलहाल। और फाइनेंस निफ्टी भी तकरीबन इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जहां तक मुझे नजर आता है कि लास्ट 3 डेज से फाइनेंस निफ्टी भी तकरीबन इसी रेंज के बीच में चल रहा है, जब तक कि 20,150 पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो जाता। ध्यान से देखिएगा, 20,150 ब्रेक नहीं हो जाता और इसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं हो जाता जब तक खरीदारी की कोई सलाह नहीं होगी वापस से लॉन्ग करने के लिए। यहाँ पर मार्केट साइडवेज ही रहेगा, आपको परेशान करेगा। हो सकता है कि आप लोगों को वापस से मार्केट में पुट ऑप्शन आते हुए नजर आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में तेजी आ रही है वो तेजी आप लोगों को यहाँ पर एक भ्रम, एक फ्लैगिश पैटर्न नजर आता हुआ यहाँ पर एक टेक्निकली चार्ट पर। यहाँ पर निफ्टी में ध्यान से देखोगे एक फ्लैग जैसा पैटर्न बनता नजर आएगा। जब भी फ्लैगिश पैटर्न बनता है तो इस फ्लैग पैटर्न को या तो मार्केट गैप अप करके तोड़ेगा या गैप डाउन करके तोड़ता है पूरी तरीके से। तो या तो मार्केट कल गैप अप हो जाएगा मंडे के दिन, या तो मार्केट गैप डाउन मारेगा जिसके कारण और नीचे के लेवल टूटेंगे जो कि 400 के नीचे जाएगा, तो अब यहाँ पर सेल ऑफ जनरेट होता हुआ नजर आ सकता है। इस प्रकार का मेरे हिसाब से मार्केट में सेलिंग आने चाहिए। यदि आपको लगता है बुलिश जाएगा मार्केट तो रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट जरूर करना कि मार्केट बुलिश जाएगा कि बेरिश जाएगा, आपके हिसाब से बुलिश है या बेरिश है। बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड मार्केट में आज के दिन आपने क्या किया मुझे कॉमेंट जरूर करना। 590 अंक के साथ निफ्टी क्लोजिंग लेती थी।